वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज माता रानी का आखिरी दिन है, नवमी है आज, तो आज हम लोग कन्याएं भी खिलाएंगे। तो सभी को जय माता दी और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुंदर सुंदर अपराजिता के फ्लावर्स के साथ। आप देख सकते हैं कितनी सारी जो हैं फ्लावर खिले हुए हैं प्राइस्ता के, वाइट वाली, और बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट दे रहा है मुझे रिपोर्टिंग के बाद, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मिर्ची के प्लांट, जो मैंने मिर्ची के प्लांट लगाए हैं, तो उन्हीं की केयर आपके साथ है जो है शेयर करूँगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लिया करिए फ्रेंड, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सकें। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं अपनी मिर्ची का प्लांट। दोस्तों, ये देखिए, ये है मेरा मिर्ची का प्लांट जिसे मैंने एक 12 इंच के पॉट में लगा रखा है, आप देख सकते हैं। और कितनी अच्छी ग्रोथ जो है प्लांट की हो रही है। आपको बता दूँ फ्रेंड कि मैंने ये प्लांट जो है घर में ग्रो नहीं किया है, मैं इसे नर्सरी से 25 रुपीज़ का प्लांट लेकर आई थी। और आप मिर्ची के प्लांट को जो है आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं, जो रेड वाली मिर्ची होती हैं उनके जो बीज होते हैं उनको आप डाल दें तो उनसे आसानी से मिर्ची का प्लांट जो है ग्रो हो जाता है। और जो हरी मिर्च आती हैं रखने के बाद रेड हो जाती हैं, तो उनके मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, लेकिन मैं जो है ये सब प्लांट नहीं लगाती हूँ वेजिटेबल्स के या मिर्ची के या नींबू के। तो इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम अपने जो है गार्डन में ये मिर्ची का प्लांट लेकर आई हूँ। तो इसे मुझे लगाए हुए 1 मंथ हो गया होगा और अब इसमें जो है आप देख सकते हैं कि फ्रूटिंग जो है बनने लगी है। तो ये मेरा जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस है मिर्ची के प्लांट को लेकर। आप देख सकते हैं कितने सारे जो हैं इसमें जो फ्लावर्स हैं वो बनने लगे हैं और खिल भी रहे हैं, आप देखिए। तो फ्लावर्स आने का मतलब यही होता है इस मिर्ची के प्लांट में, जितना मैंने अब तक देखा है, मतलब सर्च किया है, कि जब ये फ्लावर्स आते हैं इन्हीं में जो है मिर्ची लगेगी। तो कल मैंने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी किया है, इसमें इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, मिली बग इसमें लग गई थी, मुझे दिखी थी एक दो, तो मैंने कल इसमें नाइट में स्प्रे किया था, सारे ही प्लांट्स पर किया था। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी जो कलियां हैं इसकी बन गई हैं, कितनी खिली हुई हैं। तो इस ये जो फ्लावर है फ्रेंड्स, जब ये झुके रहते हैं इस तरह से, आपको दिख रहे होंगे झुके हुए, तो इसका ये इंडिकेशन ये है कि अगर ये फ्लावर झुके हुए हैं तो इसमें मिर्ची जो है आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसमें मिर्ची जो है बनेगी, ये फूल जो है इसका झड़ेगा नहीं। तो इसका एक तरीका ये भी पहचानने का है। तो बहुत ही सारी जो हैं इसमें कलियां बन गई हैं और कुछ खिली हैं। और बात कर लेते हैं कि अब इसमें जो है मैंने इसकी सॉइल कैसी बनाई है। तो इसकी सॉइल जो मैंने बनाई है वो वेलड्रेन ही बनाई है, गार्डन सॉइल, रेत और वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिलाकर ही मैंने इस प्लांट को जो है रिपोर्ट किया था। और फ्रेंड, इस प्लांट में जो है आप वाटरिंग का विशेष ध्यान रखें, अगर इसकी मिट्टी सूख जाती है तो फिर इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो जल्दी झड़ने लगते हैं। तो प्रॉपर आप इसके गमले में जो है नमी बनाकर रखें। तो इसमें मैंने जो है मॉर्निंग में ही वाटरिंग की है और नमी बनाकर रखनी होती है आपको इस प्लांट में, और फुल सन में इसको आप रखिए, इसको छांव में मत रखिए, नहीं तो जो इसके फ्लावर्स हैं वो जल्दी नहीं आएंगे। तो धूप की इसको ज़्यादा नीड होती है, छांव में मत रखिए इसको। और हम लोगों ने बात कर ली इसके पॉट की, सॉइल की और वाटरिंग की और सन की, और इंसेक्ट भी इसमें लग जाते हैं, तो आप इसमें जो है प्रॉपर स्प्रे करते रहें। और इसमें एक समस्या ये भी आती है कि कलियाँ झड़ने लगती हैं, तो वाटरिंग की ही वजह से जो है, जब हम लोगों का पानी से कम हो गया, मिट्टी सूख गई है, तो फिर इस वजह से ही जो कलियां हैं हमारी झड़ने लगती हैं। तो
आज मैं अपने प्लांट में जो है थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट और बोन मील देने वाली हूँ। थोड़ा सा फास्फोरस की ज़रूरत है कि इसको, क्योंकि अब इसमें जो है कलियाँ बनने लगी हैं और फूल भी खिलने लगे हैं, तो इसमें मैं आज थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट और बोन मील भी यूज़ करूँगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कितना हेल्दी प्लांट हो गया है और जल्दी ही अब इसमें जो है मिर्ची आएंगी। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। तो अगर आपने अपने गार्डन में लगाया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं लगाया है तो प्लीज़ ऐड करिए। मिर्ची के प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और एक मेरे प्लांटर में एक टोमेटो का प्लांट भी अपने ही आप उगाया है, निकल आया है, तो उसकी भी मैं केयर करूँगी अगर हो सका तो। तो उसमें भी टोमेटोज आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिएगा फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, जय माता दी, जय श्री राम।